Hello, welcome to Erwin Singh Academy. We are discussing set theory and this is video lecture number 7. I hope you have already watched part 1 to part 6 before watching this part 7. आज हम लोग वेन डायग्राम के एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे. कैसे हैं आप लोग? पिछली सारे कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों की और आज हम लोग वेन डायग्राम के एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट सारी थ्योरी जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है. हम लोगों ने ईवीसी क्लियर है, यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, कंप्लीमेंट क्या है, डिफरेंस क्या है, सबसेट क्या है, सुपरसेट क्या है, एवरीथिंग वी हैव लर्न टिल नाउ. डिमॉर्गन्स लॉ भी पढ़ लिया. अब हमें पढ़ना है कि एप्लीकेशन क्या है सेट थ्योरी का और इसके लिए हम बात करते हैं आज कुछ क्वेश्चंस की. तो इसमें एप्लीकेशन में क्या है कि कुछ लैंग्वेज में चीज़ें दी गई होती है और हमें उसका एप्लीकेशन देखना होता है कि कैसे उसको हम अप्लाई कर सकते हैं. तो बेसिकली आज है एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम्स. वेन डायग्राम्स ये टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है. अब एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम्स, तो इसमें क्या है कि इसमें सबसे पहले एक फॉर्मूला सीखेंगे जिसको हम कहते हैं एनालिटिकल मेथड. दो तरह से किसी क्वेश्चन को किया जा सकता है, एक वेन डायग्राम के जरिए और दूसरा एनालिटिकल मेथड के जरिए. जैसे मान लीजिए सेट है ए, एक सेट है ए और एक और सेट ले लेते हैं जिसको हम कहते हैं सेट बी. तो ये दो सेट है ना, सेट ए और सेट बी. इस सेट को ए कहते हैं और इस सेट को हम कह देते हैं बी, ठीक है बी. अब इन दोनों के बीच में जो चीजें हैं ये कॉमन है. अगर हम एन ए कहते हैं तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, और एन बी कहते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, टोटल बी, बी के एलिमेंट्स. तो हम जब एन ए कहते हैं तो इसका मतलब हुआ कि ये पूरा इसमें ये भी इंक्लूड है, और जब हम कहते हैं बी तो भी ये इंक्लूड है. तो ये दोनों ही बार इंक्लूड होता है, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी. ए यूनियन बी में क्या होता है, ये पूरी की पूरी चीजें होती है. ए यूनियन बी में ये पूरी की पूरी चीजें होती है, है ना, ये पूरी की पूरी चीज होती है. ए यूनियन बी ये पूरा का पूरा चीज होता है, ये भी और ये भी, है ना, ये भी होता है, ठीक है. तो एन ए यूनियन बी जब हम कहते हैं तो इसका मतलब है कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, लेकिन ये दो बार हो रहा है. इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन ए का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, एलिमेंट्स इन ए. एन बी का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एन स्टैंड फॉर नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी. इन एन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स इन, कॉमन एलिमेंट्स इन इन ए एंड बी बोथ. ए अच्छा, एन ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ईदर इन ए और इन बी, और इन बी, ठीक है. इसमें बोथ भी इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग बोथ, इंक्लूडिंग बोथ, तो दोनों ही. तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी. सो फाइनली थिंग्स विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी. तो ये एक फॉर्मूला हो गया. इस फॉर्मूले को हम याद रखेंगे, इसको कहते हैं एनालिटिकल मेथड. इस फॉर्मूले को हम कहते हैं एनालिटिकल मेथड. तो ये फॉर्मूला एक हो गया. इसी तरह से अगर तीन सेट हो तो हम आगे कर सकते हैं, तीन सेट हो तब भी कर सकते हैं. यहाँ पे तीन सेट में क्या होगा, ध्यान से देखें. तीन सेट अगर होंगे तो हमें ये
यही फॉर्मूला तीन सेट के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या होगा अभी हम बताते हैं। ये देखो यहाँ पे ये जो ब्लू वाला रीजन है शेडेड रीजन, इसको इसको हम कहेंगे ओनली ए। ओनली ए का मतलब क्या हुआ, पिछले हम क्लास में पहले बता चुके हैं, ओनली ए का मतलब हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। सो ओनली ए का मतलब यहाँ पे होगा ओनली ए यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ओनली, दो जो चार प्रेजेंट इन ए ओनली, ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह से ओनली बी अगर कहीं कहें तो इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब बात करते हैं तीन के लिए कि ये देखते हैं यहाँ तीन सेट, एक सेट ये हो गया और एक दूसरा सेट ये हो गया, एक सेट और ले लेते हैं, ये दूसरा सेट हो गया इस तरह का, और एक तीसरा सेट ले लेते हैं। तीसरा सेट ये, ठीक है, और ये तीनों सेट में कॉमन क्या है ये देखते हैं। ये जो तीनों सेट में कॉमन रीजन होगा इसको हम कहते हैं, ये सेट ए हो गया, ये वाला सेट ये सेट ए है और ये सेट बी है और ये सेट सी है। तो इस तीनों में मिला के हमने इसको नाम दे दिया ए, ये सेट हो गया बी हो गया सी। इन तीनों ही सेट में आप ये देखेंगे कि यहाँ जो कॉमन रीजन है ये कॉमन रीजन है ये कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस कॉमन रीजन को कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसी तरह से यहाँ पे जो रीजन है इसको हम कहेंगे कि ये है ए एंड बी बट नॉट इन सी। इसी तरह से ये जो जगह है इसको हम कहेंगे यहाँ पे कि ये है, इसको हम कहेंगे कि ये जो जगह है ये है बी एंड सी बट नॉट इन ए। ध्यान से समझिए, इस जगह को हम कहेंगे, ये जो है इसको हम कहेंगे कि ए एंड सी बट नॉट इन बी, तो ये हो गया। और ये जो बच गया इसको हम कहेंगे कि ओनली ए, ये जो रीजन है इसको हम कहेंगे, इसी प्रकार से ये जो बच गया इसको हम कहेंगे ओनली बी, ये जो है इसको हम कह सकते हैं ओनली बी, ये जो है इसको हम कहेंगे ओ, ठीक है, ये जो है इसको हम कहेंगे ओनली बी, और ये जो है इसको हम कह सकते हैं ओनली सी, ये जो है इसको हम कहेंगे ओनली सी। तो अब एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एन इज इक्वल टू ये जो अभी हमने कहा सबका नाम लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद रहे और आप इसमें कंफ्यूजन में ना रहे। तो इसको हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये जो तीनों में कॉमन है इसको हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये जो रीजन है इसको रेड में ही लिख देता हूँ, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो तीनों में कॉमन है। इसी तरह से ये जो रीजन है इसको हम कहेंगे ए एंड बी बट नॉट सी, नॉट सी, सी से बाहर है, ए एंड बी बट नॉट सी। तो आप इस तरह से समझ गए हैं सारी चीजों को। अब इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है वो देखने वाली बात है। तो फॉर्मूला जो बनेगा इसके लिए वो होता है एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आप याद रख सकते हैं, ठीक है, इसी फॉर्मूले को वन लाइन में आप लिख सकते हैं और इसको भी याद रख सकते हैं। वैसे इसकी जरूरत पड़ती नहीं है, हम इन फॉर्मूलों के बिना ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वेन डायग्राम के जरिए, लेकिन चूंकि सिलेबस की चीज़ है तो इसलिए हमने आपको बता दिया, ठीक है ना।
ये हो गया एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस, ये एक ही लाइन में है, ये सारा चीज ऐसे एक ही लाइन में है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एक ही बात है, इसको आप याद रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसको कहते हैं एनालिटिकल मेथड, इसके आधार पे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आसान तब होगा जब हम वेन डायग्राम से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर हम वेन डायग्राम से क्वेश्चन करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा आसान होगा। तो हम वेन डायग्राम की बात करते हैं और क्वेश्चंस करते हैं कुछ, जिसके जरिए आप समझने की हम समझने की कोशिश करते हैं। कुछ क्वेश्चन दोनों तरीकों से करेंगे जिससे दोनों ही फॉर्मूला आपको समझ में आ जाए, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस एक्सक्लूसिवली वेन डायग्राम से ही करेंगे ताकि आप दोनों मेथड सीख भी जाएं और दोनों का एप्लीकेशन भी सीख पाए, ठीक है। तो थोड़ी इंतजार करते हैं और क्वेश्चन करने के लिए एक मिनट का। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा है x, if x and y are two sets such that number of elements in x is 17, number of elements in y is 23, number of elements in n x union y is 38, then number of elements in x intersection y. अगर हम फॉर्मूला से जाएं तो हम सॉल्यूशन में ये लिख सकते हैं, we know number of elements in x union y is equal to number of elements in x, number of elements in y, a और b के जगह पे है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉमन। अब इन वैल्यू को अगर हम रख दें तो यहाँ पे आ गया ये 38, ये आ गया 17, ये आ गया 23 और ये निकालना है, है ना। तो 23 प्लस 17 हो गया 40 और ये 38 इधर आके माइनस हो गया, ये इधर आके प्लस हो गया। सो एन एक्स इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 40 माइनस 38 एंड दैट इज 2 आंसर, एक तरीका हो गया, इसको हम कहेंगे एनालिटिकल मेथड। अगर इसी चीज को हमें वेन डायग्राम से करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो इस चीज को अगर वेन डायग्राम से करना हो, हमने कहा था दोनों मेथड वेन डायग्राम से कैसे करेंगे, तो ये कॉमन एलिमेंट्स जो हमें नहीं पता, ये कॉमन एलिमेंट्स हमें निकालना है जो हमें नहीं पता, और दूसरा जो हमें पता है वो है बाकी सारे एलिमेंट्स, दोनों मिला करके कितना है, ये मिला करके है आपका 38। तो एक जो कॉमन एलिमेंट जो नहीं पता उसको निकालने के लिए हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया x, एक चीज हो गई x और एक हो गया ये पूरा, इसको ये मान लेते हैं सेट x और ये मान लेते हैं सेट y। यहाँ पे जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनकी बात हम कहेंगे, तो यहाँ एन एक्स क्या हो गया, एक्स टोटल कितना है, एक्स है 17 और वाई कितना है 23, ये हम ऐसे लिख देते हैं ब्रैकेट में ताकि हमें याद रहे कि कितना कितना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इज 17, ये चीज हमें निकालनी है जो हमें पता नहीं है, तो इसको हम मान लेते हैं एक्स, ये पूरा एक्स में 17 है तो एक्स उधर है, तो यहाँ एक्स 17 माइनस एक्स लिख सकते हैं। इसी तरह से y टोटल 23 है, इसमें यहाँ x मान लिया है तो ये 23 माइनस x होगा, और सब मिलके क्या है, वेन डायग्राम से हम कर रहे हैं, वेन डायग्राम अल्टरनेट मेथड है, तो ये हो गया सब मिलके है 38, तो लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, 17 माइनस x प्लस x ये मिलके प्लस 23 माइनस x इज इक्वल टू 38। तो ये x और x कैंसिल हो गए और कैंसिल होने के बाद यहाँ मिल गया 23 प्लस x 40 माइनस x इज इक्वल टू 38, x इधर आके माइनस हो गया, x इज इक्वल टू 2, ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, एक वेन डायग्राम का मेथड है और एक एनालिटिकल मेथड है, ये दूसरा मेथड है, मेथड टू, ठीक है। आपको जो समझ में आए जिससे चाहे उससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अगला सवाल देखते हैं, ये है x and y are two sets, x union y is 18 element, so यहाँ पे x union y जो है वो है 18, ये सॉल्यूशन में हम करते हैं, ठीक है।
एक्स यूनियन वाई 18 है, एक्स है जेट एलिमेंट, उसी बात को लैंग्वेज में लिखा है, नंबर ऑफ एक्स एलिमेंट इज 8 एंड नंबर ऑफ वाई इज लिखा है 15। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई जो है वो हमें निकालना है। तो एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब ये क्या होगा, यहाँ पे इस बात को हम लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो ये है 18, ये 8 प्लस 15 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई एंड 15 प्लस 8 इज 23। सो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू इधर हो गया 23 माइनस 18 दैट इज 5 आंसर, ये इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें, है ना, और कैसे करते हैं वो भी समझ में आ गया। वेन डायग्राम के जरिए भी हम इसे कर सकते हैं, यही व्यायाम से कैसे करेंगे वो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सोल्यूशन क्या होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल यानी टोटल 400 लोग हैं, तो ये 250 स्पीक हिंदी 200 स्पीक इंग्लिश, हाउ मैनी पीपल स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, ये निकालना है। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है यहाँ लिखा है। तो हम मान लेते हैं कि एन एच, एच इज द सेट ऑफ हिंदी स्पीकिंग पीपल, सो एन एच नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक हिंदी is given 250. Number of people who can speak English E is the set of English speaking people, so that is 200. Speak either Hindi or English is 400. Now we have to calculate how many people speak Hindi and English both. This is what. So again we can apply the formula, है ना? हम formula लगा सकते हैं और formula लगा करके फिर हम इसका answer लिख सकते हैं। तो formula हमारा क्या है, तो इस फॉर्मूला में हमें वैल्यू रखनी है। अब यहाँ पे लिख देंगे कितना 400, ये हो गया कितना 250, ये हो गया 200 और ये एन एच इंटरसेक्शन ई निकालना है। तो अब यहाँ पे आ गया एन एच इंटरसेक्शन ई 450 माइनस 400 इज इक्वल टू 50, बस इतना करना है। आसान सा सवाल है और मुझे उम्मीद है कि सवाल जो है बड़े आसानी से कर सकते हैं, है ना। So, अगला सवाल एक और ले लेते हैं, देखते हैं। तो एक सवाल देखते हैं और ये सवाल है क्वेश्चन का जवाब कि एस टी आर टू सेट सच दैट एस हैज 21, टी हैज 32, एस इंटरसेक्शन टी 11, हाउ मेनी एस यूनियन टी निकालना है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, एन एस इज इक्वल टू कितना 21, एन टी इज इक्वल टू 32 एंड एन एस इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू 11 लिखा है। आपको निकालना है एस यूनियन टी, ये निकालना है। तो आप निकाल सकते हैं एन एस यूनियन टी एन एस प्लस एन टी माइनस एन एस इंटरसेक्शन टी, ये हो गया 21 प्लस 32 माइनस 11 इज इक्वल टू 42 एंड दैट विल बी आंसर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़े ही आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन एक देखते हैं और अगला क्वेश्चन है कि x एंड y आर टू सेट सच दैट x हैज 40 एलिमेंट्स, इसमें यूनियन में 60 है, इंटरसेक्शन में 10 है, क्या निकालना है। तो यहाँ पे भी वैसे ही कर सकते हैं, सॉल्यूशन इसका भी होगा एन एक्स इज इक्वल टू 40 हो गया, एन एक्स यूनियन y इज इक्वल टू 60 दिया हुआ है, एन एक्स इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू दिया हुआ है, y निकालना है। तो उसी फॉर्मूले में रख देंगे एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स वाई। तो यहाँ हो गया 60 और ये हो गया कितना 40 प्लस एन वाई माइनस 10, 40 माइनस 10 30, 30 इधर आके माइनस हो गया तो क्या मिल जाएगा एन वाई इज इक्वल टू 30। सिंपल सा जवाब हो गया एन वाई इज इक्वल टू 30 आंसर। ये ध्यान रहे ये 60 है, 40 इधर आके माइनस हो गया तो 20 और 10 इधर आके प्लस हो गया तो ये कर सकते हो। एनालिटिकल मेथड आप सीख चुके, अब कुछ क्वेश्चन वेन डायग्राम से कर लेते हैं, है ना।
तो यहाँ पे लिखा है ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी, 20 एक है टी और कॉफी वाले हैं, और यहाँ पे हम दो वेन डायग्राम बना लेते हैं, एक टी का और एक कॉफी का, और इसी तरह का एक कॉफी का। तो ये दो सेट हमने बना लिया, टी का एक कॉफी का, ठीक है, ये सेट दो हो गए। ये लिखा है कि 70 लोग हैं, इन ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी, 32 लाइक टी, एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक, मींस टोटल पीपल दोज हु आर आइदर लाइक टी और कॉफी दे मस्ट बी 70, हाउ मेनी लाइक बोथ, यानी इंटरसेक्शन हमें निकालना है, यही उस लैंग्वेज का मतलब है। तो आप इसको कर सकते हैं, कैसे करेंगे, अब ये सोचने वाली बात है कि जो हमें निकालना है उसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो ये हमारा सेट हो गया टी का और ये सेट हो गया कॉफी का, यहाँ पे जो निकालना है उसको हम एक्स मान लेंगे, तो क्या होगा, जो हमें निकालना है उसको हम मान लेते हैं एक्स, तो यहाँ मान लिया एक्स। टी में कितने लोग हैं, तो 37 लाइक कॉफी, ये 37 है टोटल, 37 माइनस एक्स हो, टी 52 लाइक टी, ये 52 लोग हैं, तो यहाँ पे 52 माइनस एक्स होगा, और सब कैलकुलेट करने पे कितना होना चाहिए, 52 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 37 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये दोनों प्लस होकर के कितने हो गए, 729 और 538 माइनस एक्स इज इक्वल टू 70, एंड देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 19, सो 19 पीपल आर देयर हु लाइक टी एंड कॉफी बोथ, ठीक है, ये खाली लिख देना है। तो वेन डायग्राम से भी आप बड़े ही आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत ऐसी आने वाली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक्स क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, हाउ मेनी लाइक टेनिस, देयर आर टू क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या होना चाहिए, दो क्वेश्चंस इसमें हैं, आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, तो हम वेन डायग्राम से करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे एक है ग्रुप किसका, टेनिस का, और दूसरा ग्रुप है क्रिकेट का, तो ये है क्रिकेट और ये मान लेते हैं टेनिस। लिखा है क्वेश्चन में कि 65 पीपल 40 लाइक्स क्रिकेट, ये क्रिकेट पसंद करने वाले 40 लोग हैं, एंड टेनिस कितने लोग हैं ये पता नहीं, 10 लाइक बोथ, यानी यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसमें 40 माइनस 10 यानी 30, ये हमें निकालनी है, ये पता नहीं है टोटल एक्स कितने, टेनिस ओनली एक्स, सो यहाँ पे टोटल है 65, सो लिखेंगे सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, 65 इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 प्लस 40, 40 ये 30 है, सॉरी ये है 30, तो ये 30 प्लस 10 40 हो गया, 40 माइनस 65 क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू हो गया, तो 25 पीपल जो है वो सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं, सो दो जो लाइक टेनिस ओनली, टेनिस ओनली ओनली 25, एंड नंबर ऑफ पीपल हु प्ले टेनिस, नंबर ऑफ पीपल हु प्ले टेनिस, टेनिस में टोटल कितने हैं, ये 25 प्लस 10 35, हु लाइक टेनिस, लाइक टेनिस 25 प्लस 10 दैट इज 30, इस तरह से आप सवाल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, पहली बात नहीं है, इसको वेन डायग्राम से भी हमने कर दिया, दो क्वेश्चन इसमें थे, एक की टेनिस कितने लोगों को पसंद आ रही है और दूसरा की टोटल नंबर ऑफ पीपल हो टेनिस ओनली, ओनली टेनिस किसको पसंद आ रही है, क्रिकेट नहीं, तो क्रिकेट के बाहर हमें देखना था, क्रिकेट के बाहर ये टेनिस एक्स आ गया हमारा 25 25। अगला क्वेश्चन एक देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए कमिटी ऑफ 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक स्पेनिश, 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज, एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज मीन्स आपको यूनियन निकालना है कम से कम एक में, तो ये हो गया एक सेट, एक दूसरा सेट ले लेते हैं, एक ग्रुप है किसका, तो ये है
डेनिस का, और ये ग्रुप है फ्रेंच का, ठीक है ना, ये स्पेनिश का और ये ग्रुप है फ्रेंच का, ठीक है, मान लेते हैं एक स्पेनिश एक फ्रेंच, कितने लोग हैं जो दोनों बोलते हैं, तो दोनों बोलने वाले लोग हैं 10, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 10, तो 20 स्पीक स्पेनिश, 20 स्पेनिश और 10 दोनों बोल रहे हैं, तो सबसे पहले बीच वाले को भर लेते हैं, 10 दोनों बोल रहे हैं, 20 स्पेनिश है, तो इसका मतलब बाकी इधर सिर्फ स्पेनिश बोलने वाले 10 होंगे, एंड 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, तो ये 10 ऑलरेडी है फ्रेंच में, तो 40 और इधर होगा, तब मिला के ये 50 हो, अब टोटल कितने लोग हो गए, 40 प्लस 10 50 प्लस 10 60, सो यहाँ पे आ गया कि एटलीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेज, द नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक, नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज, वन ऑफ द टू लैंग्वेज इज, टू लैंग्वेज इज 60, आंसर दे होगी फ्रॉम वेन डायग्राम, फ्रॉम वेन डायग्राम, बस आप एनालिटिकल मेथड से करना चाहते हैं उससे भी कर सकते हैं, आप इससे करना चाहते हैं इससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जैसे चाहें वैसे करें, तो इस तरह से ये सारे थ्योरी के जो वेन डायग्राम के एप्लीकेशंस थे ये सारे खत्म हुए, और अब मिसलेनियस के क्वेश्चंस हैं जिसको आप खुद करें, और अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होती है तो आप हमें जरूर बताएं, हम आपको उसमें भी मदद करेंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन कर देता हूँ मिसलेनियस का, तीन वाले, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हमें हैं वो तीन वाले नहीं थे, तो एक तीन वाले कर देते हैं और उसके बाद आप खुद करेंगे, ठीक है ना। तो आइए एक क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें तीन है। इट वाज इन अ सर्वे, इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 26 लाइक प्रोडक्ट बी, 29 लाइक प्रोडक्ट सी, ये तीन तरह के प्रोडक्ट पसंद करने वाले लोग हैं, तो तीन तरह के जो प्रोडक्ट हैं तो हमें तीन सेट बनाना पड़ेगा, एक सेट ये ए और एक और बना लिया हमने बी और एक और सी, तीन सेट हमने बना दिया, ये और एक और तीसरा भी, तीन सेट हमने बना दिया, तीनों में कुछ कॉमन होने चाहिए, है ना, ध्यान रहे तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन होने चाहिए, तो ये तीन सेट हो गए ए बी सी। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या भरना चाहिए, ये दिमाग में रखें आप कि सबसे पहले हमें इसमें क्या भरना चाहिए, तो सबसे पहले इसमें हमें लिखना चाहिए जो तीनों में कॉमन हो। यहाँ पे पूछ रहे हैं एट लाइक ऑल दीज थ्री प्रोडक्ट्स, ध्यान से देखिए एट लाइक ऑल थ्री प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे पहले एट भर दें, एट, ठीक है। उसके बाद लिखा है 14 लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी, बी एंड सी में कितने हैं 14 है, तो बी और सी ये पूरा कॉमन होता है ना, इसमें 14 है तो एट ऑलरेडी चूंकि यहाँ लिखा हुआ है तो 6 यहाँ लिख देंगे, तो ये 14 हो जाएगा पूरा। उसी तरह से फिर लिखा है कि 12 लाइक प्रोडक्ट ए एंड सी, ए और सी मिला के ये पूरा हुआ 12, इतना, तो इसमें ये 8 है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे तो ये 12 हो जाएगा। उसके बाद लिखा है 14 लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, ए और बी ये पूरा 14 होना चाहिए तो यहाँ पे आप 6 लिखेंगे तो ये पूरा 14 हो जाएगा, 8 प्लस 6 14, है ना। उसके बाद लिखा है कि 21 लाइक प्रोडक्ट ए, ए वाले 21 हैं तो ये पूरा 21 होना चाहिए, है ना, 8 प्लस 6 प्लस 4 10 एंड 8 18, तो 3 यहाँ पे लिखेंगे तब ये हो जाएगा 21। 26 लाइक प्रोडक्ट बी, तो बी में 26 है, इसका मतलब है टोटल ये 26 होना चाहिए, तो 6 प्लस 6 12 प्लस 8 20, यहाँ पे 6 लिखेंगे तो 26 हो जाएगा, है ना। सी के बारे में लिखा है 29 लाइक्स प्रोडक्ट सी, तो ये हो गया 29। अब यहाँ पे 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 11 करेंगे तब जाके 29 होगा। अब आपका क्वेश्चन है इसमें कि हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, तो आंसर इज 11, फ्रॉम वेन डायग्राम आंसर इज 11, फ्रॉम वेन डायग्राम आंसर इज 11, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, people who like product C only,
लाइक प्रोडक्ट सी ओनली एज एल एम सी ओनली एज एल एम आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं वेन डायग्राम से। उम्मीद आपको भी मुश्किल बिल्कुल नहीं लगा होगा, आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, 26 रीड न्यूज़पेपर टी, 26 रीड न्यूज़पेपर आई। तीन यहाँ पे न्यूज़पेपर यहाँ पे भी है, तो हमें तीन सेट बनाना पड़ेगा और उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले तीन सेट बना लेते हैं और एक दो तीन ये बना देते हैं, तीन वेन डायग्राम से तीन सेट। ठीक है, और एक फिर हम एक और ले लेते हैं। दूसरा सेट हो गया और एक तीसरा सेट बना लेते हैं, ये तीन सेट हो गए। थोड़ा ऐसा बनाए कि एक कॉमन रहे, ठीक है ना, कॉमन रहे चीजों में और सब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, ऐसा सेट बनाना चाहिए हमें। अब ये तीन में नाम है इनके एच टी और आई, ये मान लेते हैं कि एच है। एच में कितने लोग हैं, 25 रीड न्यूज पेपर एच। ये है टी, टी में कितने हैं तो 26, और आई में कितने हैं तो ये भी है 26। ये आई न्यूज पेपर मान लेते हैं और भी 6। फिर सबसे पहले हमने कहा था कि उसको भरें जो तीनों में कॉमन हो। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि 3 रीड न्यूज पेपर ऑल 3 न्यूज पेपर, तो सबसे पहले यहाँ 3 भर लीजिए, उसके बाद दो दो पे जाइए। लिखा है कि 8 रीड न्यूज पेपर टी एन आई, 8 है, टी और आई में कॉमन 8, टी और आई ये पूरा है, इसमें 8 होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे 5 लिखना चाहिए, 3 ऑलरेडी देयर है। यहाँ पे 11 रीड बोथ न्यूज पेपर एच एंड टी, एच और टी में 11 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ हम लिख देंगे 8, तब ये पूरा 11 हो जाएगा एच एंड टी। उसके बाद लिखा है 9 रीड न्यूज पेपर एच एन आई, एच और आई इसमें 9 है, तो 3 यहाँ है, तो यहाँ 6 लिख देंगे। उसके बाद ये टोटल अब देखेंगे कि 26 होने के लिए क्या चाहिए, 8 प्लस 3 11 प्लस 5 16 ऑलरेडी देयर, यानी यहाँ पे 10 लिखे तो ये 26 हो जाएगा। ये 25 है, 8 3 11 और 6 17, 8 यहाँ पे लिखेंगे तो ये 25 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे हो गया 5 प्लस 3 8 एंड 6 14, 12 यहाँ पे और लिखेंगे तो ये 26 हो जाएगा। तो फ्रॉम वेन डायग्राम अब निकालना क्या है, सॉल्यूशन में लिख सकते हैं, फ्रॉम वेन डायग्राम, डायग्राम क्या होगा हमारा, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, एटलीस्ट वन का मतलब सबको ऐड करना है, सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 10 प्लस 8 प्लस 3 प्लस, ये सबको ऐड करना है, प्लस 8 प्लस 6 12, ये सब मिल के कितने हो जाएंगे, तो ये वैसे भी आप कर सकते हैं कि ये टोटल 26 है, तो ये जोड़ने पे बार बार 26 ही होगा, 26 और 12 8 20 एंड 6 26, तो 26 प्लस 26 क्या होगा 52, ऐसे भी ऐड करोगे तो ये टोटल 52 ही होगा। तो ये हो गया पहले का कि नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर एज 52, ठीक है ना, सो देयर फोर 52 पीपल रीड एट लीस्ट, पीपल रीड एट लीस्ट वन ऑफ द थ्री न्यूज़पेपर, एट लीस्ट वन ऑफ द थ्री न्यूज़पेपर, थ्री न्यूज़पेपर। दूसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, दूसरा है नंबर ऑफ पीपल एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर एज कितने होंगे, तो ये होंगे 10 जो है सिर्फ टाइम्स टी पढ़ते हैं, 12 ये पढ़ते हैं सिर्फ आई, और 8 पढ़ते हैं सिर्फ एच, तो 12 प्लस 8 20 एंड 10 30, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। तो नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, वन न्यूज़पेपर
इज इक्वल टू, ये हो गया टोटल 12 प्लस 8 एंड दैट इज इक्वल टू 30, सो आंसर इज 30। सो होपफुली आपको ये और इस तरह के क्वेश्चन करने में आप कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। और इस तरह से हमने आज का ये लेक्चर और सेट थ्योरी का क्लास जो है वो वाइंड अप करते हैं, और अगले अगर मौका लगा तो मिसलेनियस क्वेश्चन अगर आप पूछेंगे तो हम बता देंगे, ठीक है ना। उसमें से भी हमने दो क्वेश्चन बता दिए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, और बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर लाइक हैं जो आप खुद कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर दिक्कत आती है तो हम बैठे हैं, आप हमसे पूछ लीजिए, ठीक है ना। तो फिलहाल आपका बहुत बहुत आभार इस वीडियो को देखने के लिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट एंड प्रेस बेल आइकन एज वेल, सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन एज सून एज द वीडियो विल बी अपलोडेड। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड गॉड ब्लेस।